नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कथाओं और कहानियों के महासागर में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमारी कहानी कमला विमला निवास के चौथे अंक के साथ प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मंगल या अमंगल। मई जून की ढीठ गर्मी ने तो दम ही निकाल कर रख दिया था। ऐसा लगता था जैसे चूल्हे पर तवे की तरह बैठा हूँ। चूल्हा भी कभी बहुत गर्म तो कभी थोड़ा गर्म रहता है, पर गर्माहट उसका स्वभाव है। बड़े दिनों के बाद आज झमाझम बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है शरीर ही नहीं आत्मा भी शीतल हो रही है। ये राहत भरी बारिश यूं ही बरसती रहे और मैं इसमें भींगता रहूं। वैसे मैं ही नहीं, कमला विमला निवास के सभी सदस्य खुश हैं। इस गर्मी ने सभी को बेहाल कर दिया था। इधर बारिश और उधर गरम गरम पकौड़े तले जा रहे हैं। पिताजी की फरमाइश चाय है और बच्चों की फरमाइश पकौड़े। आज तो लगता है सब मंगल रहेगा। माँ, नैना बुआ का फोन है। आज नैना बुआ से बात कर माँ बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुरानी मैल धुल गई। ए जी, आज नैना से बात करके ना बहुत अच्छा लगल। वो बरसों से अपन अंदर बहुत बोझ रख ले रही जो आज उतर ली। हम लोग आपन हैसियत अनुसार धूमधाम से नैना का ब्याह कर ले रहनी, और वो भी तो अपन ससुराल में खुश रहली। 2-3 साल ते बहुत अच्छा रहल, आइल जाइल सब रहे, लेकिन धीरे धीरे सब कम हो गई। चिट्ठी पत्री हो कम होते होते गईबे हो गई, दूरी बढ़ते बढ़ते खाई बन गई। पर आज पता चलल कि वो आपन भीतर कितना दर्द समय ले रहे। एक औरत के वजूद तभी पूरा होखेला जब वो माई बने ले। काई पूर्णता खुद औरत के हाथों में होखेला। शादी के 10 साल तक बच्चा के न होना ओकरा के धीरे धीरे खोखला बना देले रहल, और इहे खोखलापन नैना के खत्म करल जात रहे। ससुराल वाला और आस पड़ोस के सब लोग नैना के उल्हाना करत रहे। नैना अपन दर्द के हम लोगन से छिपाए के खातिर हमने से दूर जात रहली, और हम लोग समझ भी ना सकनी। मगर कहते हैं ना, बुरा वक्त का सबसे अच्छा बात यह है कि वो बदल जाता है। आज वो इतना खुश रहली ना कि बोले ना पावत रहली। उता दमान जी बताइने कि हम मामी बन गई नी, और आप मामा बन गई ने जी। पूरे कमला विमला निवास में खुशियों की लहर छा गई। वर्मा जी की मुस्कान तो आज देखने लायक है। बच्चे भी नए रिश्ते पाकर बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है बारिश ने आज दिलों के मैल को भी धो दिया है।
हेलो हेलो, हाँ ये क्या, ये क्या बोल रहे हैं? मगर ये कैसे? अजी सुनती हो? अरे देखो कपड़ों को छोड़ो, नीचे आओ, देखो यहां क्या गजब हो गया है। नैना नैना अब इस दुनिया में नहीं रही। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं जी? अभी तो आकर दुनिया शुरू हो रहे और बच्चा उतर उतर हमार गोर। अरे अरे री क्या, तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई? अरे सब छोड़िए, पहले बताइए नैना का क्या भाई? अरे सच कह रहा हूँ, नैना अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपना स्कूटर निकालता हूँ, इतनी बारिश में तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। हेलो जी। जी हाँ, मैं कमला विमला निवास से बोल रही हूँ। क्या मगर ये सब कैसे हुआ? हे भगवान, संजू संजू जल्दी आओ, संजू पापा का एक्सीडेंट हो गया है, बारिश की वजह से पापा का स्कूटर फिसल गया। दीदी दीदी अब क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चारों बच्चे डरे सहमे से एक कोने में बैठे हुए हैं, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। चीजों को टटोलने के लिए एक लालटेन अपना अस्तित्व बनाए हुए है। फिर से फोन की घंटी ने सबका दिल दहला दिया है, कोई भी फोन उठाना नहीं चाह रहा है। सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो हमेशा बड़े बच्चे को निभाना पड़ता है, वह भी बिना शिकायत के। अपने धर्म का पालन करते हुए अंजू ने फोन उठाया। हेलो अंजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फूफा जी ने अभी अंजू को बताया कि नैना बुआ को कुछ नहीं हुआ है। सुबह जब वह अपने कपड़े सुखाने छत पर गई तो काले कौवे ने सिर पर मार दिया। कहते हैं कौवे का सिर पर मारना बड़ा अपशगुन होता है, किंतु कोई अपना उस व्यक्ति के नाम पर शोक मनाते हुए रोए तो अपशगुन से बचा जा सकता है।
इसलिए फूफा जी ने नैना बुआ के बारे में ऐसा कहा। बच्चे तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अपशगुन क्या होता है। क्या आज के समय में भी लोगों का अंधविश्वास पर विश्वास करना उचित है? आज कमला विमला निवास में जो कुछ भी हुआ वह अंधविश्वास के कारण हुआ। लालटेन जलाकर बच्चे एक कोने में माँ और पिताजी का इंतजार कर रहे हैं। माँ के पैरों का एक्सरे हुआ और पिताजी का फर्स्ट एड। दोनों घर आ रहे हैं। सुबह की सुहानी बारिश ने कब विकराल रूप ले लिया पता ही नहीं चला। अब तो लगता है ये बारिश बस थम जाए। कमला विमला निवास के सभी सदस्यों को एक नई सुबह, एक नई आशा, एक नया दिन का इंतजार है, क्योंकि यहां सब मंगल है। बस वक्त, हर वक्त मंगल नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर कैसी लगी हमारी यह कहानी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे कमला विमला निवास के पांचवें अंक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।